अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इसके कपड़े नहीं मिल रहे। देखो अंदर ही रखे होंगे। रुको मैं ढूंढता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इतनी लापरवाही! बच्चे को ऐसे छोड़ कैसे सकती हैं? ये बच्चा अगर गिर जाता तो क्या करते? भाई साहब मैं तो सिर्फ सिर्फ क्या? लीजिए अपना बच्चा, संभालिए इसे। फिर बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर क्या करते? हाँ, खुद को माफ कर पाते आप? मैं तो नहीं कर पाता। अगर भगवान ने बच्चा दिया है तो उसका ख्याल रखना सीखिए। मेरी बिंदिया कैसी है? मेरा बच्चा कैसा है डॉक्टर? I'm so sorry, Mr. Abhay. हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। नहीं डॉक्टर, बोलिए डॉक्टर प्लीज। नहीं अभय जी, नहीं डॉक्टर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा बच्चा नहीं जीत सकता है डॉक्टर। अबे जी प्लीज प्लीज संभालिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है डॉक्टर। मेरा बच्चा नहीं जा सकता है डॉक्टर। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अभय जी, बिंदिया जी को आपकी जरूरत है। जो बच्चा आपने खोया है वो आपकी गोद में भी नहीं आया था, लेकिन वो बच्चा बिंदिया जी के अंदर पल रहा था। अब आपको बिंदिया जी का सहारा बनना होगा। खत्म हो गया मामला। पति जी, बिंदिया को भी मार देते तो एक बार में ही सारा काम तमाम हो जाता ना। अरे पत्नी जी, बिंदिया के मर जाने से जानती हो क्या होता? दो दो झटके सहकर तुम्हारा भाई पागल हो जाता। और अगर बिंदिया को तड़पाना है ना तो उसे जिंदा रखने में ही समझदारी है। ये सब क्या हो रहा है? अरे अम्मा, वो मेघा के पेट में जो पाप था ना, वो अब नहीं रहा। सासू माँ, मेघा का पत्ता साफ हो गया। सासू माँ, वो अब साले साथ को इमोशनल नहीं कर पाएगी। अरे अम्मा, क्या हुआ? अरे तुम खुश नहीं हो का? अरे तुम्हारा लल्ला अब उस बिंदिया के चक्कर में, उसके जाल में नहीं फंसेगा। ने हमारे बेटे को फंसाया था, खुद भगवान ने उसे सजा दी थी। Oh,
क्या हुआ अभय जी, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? सब ठीक है ना? बताइए ना अभय जी, क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अभय जी बोलिए ना, सब ठीक है ना? क्या कहा डॉक्टर साहब ने, हमारा बच्चा ठीक है ना? बोलिए ना। अभय जी, अभय जी बताइए हमें क्या हुआ है हमारे बच्चे को, बोलिए ना। अभय जी बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तुम ठीक हो ना? हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। आपने मेरे बच्चे को मार डाला। बिंदिया, 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 मेरी बात सुनो बिंदिया। छोड़ी। बिंदिया, मेरी बात सुनो बिंदिया। बिंदिया, हमारा बच्चा नहीं रहा। शायद वो हमारी किस्मत में नहीं था बिंदिया। नहीं अभय जी, ये किस्मत का खेल नहीं था। हम जिस गाड़ी में गए थे, उसका ब्रेक फेल करवाया गया था। इन लोगों की साजिश थी। इन्होंने मारा है हमारे बच्चे को। इनकी वजह से हमने हमारा बच्चा खोया बेटी। अब तक हम आपकी सारी गलती माफ करते हैं, लेकिन आज आपने हद पार कर दी। हमारे अजन्मे बच्चे को मार डाला।
मुमकिन है। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस बार तुमने अपराध नहीं पाप किया है। पापियों का नाश होना जरूरी है। क्षमा क्षमा काली बाई, क्षमा काली बाई, काली बाई क्षमा कर दो हमको। काली अरे गलती हो गई जो हम तुम्हारा नाटक नहीं समझ पाए। कितना खेल खेलोगी तुम मेघा? तुम कह रही हो कि हम तुम्हारे गाड़ी का ब्रेक फेल करवाए हैं? मतलब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम हमारे मत्थे मर दोगी? बंदर की बला तबेले का सर। बिल्कुल सही कहा रंजन। अरे लापरवाही इसने खुद से की। बेचारा नन्ना सा बच्चा आने से पहले ही अपनी जान से गया और जो भी कुछ हुआ उसका इल्जाम हमारे मत्थे पड़ रही है। बेटी, इन लोगों ने मां के हाथों गलत पेपर पर दस्तखत करवाने की साजिश रची थी। बाबूजी, बाबूजी मां को बाहर लेकर गए ताकि मां उस कागज पर दस्तखत कर दे। अगर माँ वो पेपर पर दस्तखत कर देती तो सारा इल्जाम माँ पर आ जाता। इसलिए हम घर से बाहर गए थे। उस गाड़ी में नहीं छोड़ेंगे। हम छोड़ेंगे। धोखेबाज लड़की, खुद तो उस बच्चे से छुटकारा पा लिया और अब इल्जाम हमारे सर पर डाल रही है। हमला कर रही है हम पर तलवार से। छोड़ो इसे। बहुत सही छोटे। अरे जब ये हम पर तलवार चला रही थी वो नहीं दिखा तुम्हें, अभी गर्दन कट जाती हमारी। बच्चा छीन लिया बेटी। मार दिया, मार दिया, छीन लिया हमसे। नाटक शुरू कर दिया। अरे किसने कहा था तुझसे कि हम कोई ऐसा पेपर पर साइन करने वाले हैं? अरे हम तो अपना दिमाग शांत करने के लिए कठौती झील गए थे। और हाँ, वहां से तेरे पापा हमको खाना खिलाने ले गए। अरे काहे पेपर पर साइन करेंगे ऐसे? पता नहीं कौन सा खेल खेल रही है ये बातें बनाकर। पेपर पर साइन करने गए थे। अगर मुझे पता चला कि बिंदिया के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें आपका हाथ था, तो मैं
मैं आप लोगों को ऐसी सजा दूंगा आप लोग जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आप लोग कुछ भी बोलिए, मेरे लिए यही मेरी बिंदिया है और मैं जीवन भर इसके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत हो गया साले साहब, बहुत हो गया, बहुत बड़ा खेल खेल रही है ये मेगा। अंजू भाभी, सबको सच बताइए कि आपने क्या सुना था, बोलिए सबसे, बताइए कि हम काहे गए थे कठोरता झील तक। बोलिए भाभी, आपने सुना था ना कि ये लोग गलत कागज पर दस्तखत करवाने वाले थे माँ से, बोलिए भाभी। तुम क्या कह रही हो बिंदिया, हमारी तुम्हारी कब बात हुई थी? बल्कि हम तो कमरे में गिर गए थे पोछा मारते वक्त, इसलिए हम आराम कर रहे थे। और हम कब आए लकीर पार करके तुमसे बात करने? तुम तो अपनी मर्जी से बाहर गई थी ना। समझ रहे हैं भाभी, इन लोगों ने फिर से आप पर किसी तरह का दबाव डाला है ना। धमकी दी है ना आपको, तुमरा ये ढोंग, तुमरा ये तमाशा कभी खत्म होगा कि नहीं? हमें धोखा दे नहीं पाई, हम जान रहे हैं कि तुम मेघा हो, इसलिए साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश रची जा रही है। लल्ला को तो जाल में फंसा ही लिया है, पूरी तरह से बहका के रखा है। सच कहते हैं, तुमसे ज्यादा गिरी हुई लड़की हमने आज तक नहीं देखी है। इतना सब कुछ करने के बाद भी देखो तो आज भी सर उठाकर खड़ी है। जिंदगी बर्बाद कर दी हमरे लल्ला की। अरे प्लीज माँ, अब बिंदिया की सच्चाई नहीं जानती है, ये हालात नहीं है एक दूसरे पर उंगली उठाने के लिए। आपको यकीन नहीं होता ना कि ये बिंदिया है तो ठीक है, लेकिन आप ये तो देख सकती है ना माँ कि इसने अपना बच्चा खोया है। खुद ठिकाने लगाया है अपने पाप को। बस कीजिए, गिरे हुए हम हैं या आप लोग जैसी बातें करती हैं? बस करो बिंदिया, कम से कम तुम तो ये मत भूलो कि ये कौन है। हाँ बेजी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये कौन है। अरे ये तो राज्य की मुख्यमंत्री है ना, लेकिन क्या राज्य जानता है इनके बारे में? We'll be right back.
गया। गया। ये देखिए, ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो कि हमारी सास भी हैं। जिन्हें हम माँ कहते हैं, इन्होंने अपना पोता खोया है, पर उसका दुख मनाने के बजाय कि हम पर ही शक कर रही है, उसे किसी और का पाप कह रही है। पर इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आपको तो पता ही नहीं कि बाबूजी आपको किस तरह से बेवकूफ बना रहे। और ये आपकी बेटी किस तरह से आपके साथ खेल खेली जा रही है। और ये आपके दामाद जो मुंह पे सासू माँ बोलते हैं और पीठ पीछे जान लेने की साजिश रचते हैं।